हेलो गाइस, वेलकम अगेन। दिस इज़ द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड वी आर डूइंग वीडियो पार्ट 4। एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। नाउ आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है एक्सीडेंटल स्टडीज़, या फिर जो एग्जैक्ट टॉपिक है उसका नाम है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। अब देखो, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट पढ़ने से पहले एक्सीडेंटल स्टडीज़ क्या होती है वो देखना ज़रूरी है। अब देखो, जिसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो रोडवेज़ हैं, मतलब जो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो रोडवेज़ आते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं बाकी दूसरे तीनों सिस्टम से ज़्यादा होते हैं। वाई? बिकॉज इसमें क्या होता है, यूज़र जो है इंडिविजुअल है, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, कोई पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिकल यूज़र नहीं है। जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे में एक पूरा सिस्टम है, वो उसको फॉलो करता है, वो उसको चलाता है। पर यहाँ पर हर कोई एक ड्राइवर है, हर कोई एक राइडर है, वो पर्टिकुलर अपने व्हीकल को चलाता है। दैट्स वाई इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एक्सीडेंट होते हैं, अब वो किसी भी रीज़न से होते हैं। सो इस वजह से जब ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, एक्सीडेंटल स्टडीज़ करते हैं, मतलब इनको रोकने के लिए कि एक्सीडेंट कैसे कम किए जाते हैं। मतलब ये भी एक इंजीनियर के अंडर में आता है, बिकॉज वो रोड डिज़ाइन करता है, तो वो रोड को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक्सीडेंट सबसे कम हो, कंट्रोल डिवाइसेस इस तरीके से हो कि एक्सीडेंट ना हो, राइट? सो एक्सीडेंटल स्टडीज़ की जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टडीज़ होती है कि कोलिजन कैसे हुआ, कोलिजन मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ पहले, तो ये एक्सीडेंटल स्टडीज़ के अंदर आती हैं। इसमें कोलिजन डायग्राम बनते हैं। यू डोंट नो अबाउट कोलिजन डायग्राम, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोलिजन डायग्राम होते हैं कि जो ट्रैफिक है बोथ साइड से, ऑपोजिट डायरेक्शन से किस तरीके से हुआ, तो उनके अलग अलग से डायग्राम बनाए जाते हैं, उनके स्टैटिक्स देखे जाते हैं। तो इस तरीके से एक्सीडेंटल स्टडीज़ की जाती है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें अगर एक्सीडेंटल स्टडीज़ में, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट इज़ वेरी अक्यूट इन हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक अलॉन्ग विद पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। थस द ट्रैफिक इंजीनियर्स हैव टू अंडरटेक अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग सेफ ट्रैफिक मूवमेंट्स टू द रोड यूजर एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। रोड एक्सीडेंट कैन नॉट बी टोटली prevented, but by suitable traffic engineering and management, the accident rate can be reduced to a certain extent, right? So, for this reason, systematic study of traffic accidents are required to be carried out. Proper investigation of the causes of accident will help to propose preventive measures in terms of the design and control. So, ये traffic studies के अंदर में आते हैं, accidental studies के अंदर में आते हैं। हमारा topic है causes of accident, okay? कि रोड एक्सीडेंट क्यों होता है, पर उसके पहले हम देखेंगे कि एक्सीडेंटल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। टू स्टडी द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स एट पोटेंशियल लोकेशन, टू एवेल्युएट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, पर्टिकुलर जो अभी डिज़ाइन चल रही है उसके हिसाब से एक्सीडेंट हुआ तो वो एवेल्युएट करने के लिए, टू कंप्यूट द फाइनेंशियल लॉसेस इनकर्ड, टू सपोर्ट द प्रपोज डिज़ाइन एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन टू द इम्प्रूवमेंट सजेस्टेड by the traffic engineer, to carry out before the after studies and demonstrate the improvement in the problem. Causes of road accident, the various causes of road accidents are, देखो पहले तो road user की वजह से हो सकते हैं, vehicle की वजह से हो सकते हैं, road condition की वजह से, road design, environmental factors की वजह से भी हो सकते हैं, and other causes. तो ये जो है basic cause है, मतलब किस के वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओके, सो अगर रोड यूजर की बात करें तो एक्सेसिव स्पीड एंड रश ड्राइविंग, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, फेलियर टू परसीव ट्रैफिक सिचुएशन और साइन और सिग्नल इन एडिक्वेट टाइम, केयरलेसनेस, फटिक, एल्कोहल, स्लीप एक्सेट्रा, ये सारे रोड यूजर के ऊपर होता है। देखो, जब रोड यूजर की बात आती है तो जो कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट हैं वो हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि जो कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट होते हैं फॉर बाय अ रोड यूज़र, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट होते हैं फॉर अ रोड यूज़र, वो ओवर स्पीडिंग,
ड्रंकन ड्राइविंग, ये सब आप जानते हो, डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर, रेड लाइट जंपिंग, तो ये तो क्या हो गया, एक तरह से डिफाइन कर दिया हमने कि ये जो है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट है, राइट। बट जो मेन जो रीजन है, जो जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जो उसको अगर हम उसको करेक्टराइज करें, जो मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट है उसको करेक्टराइज करें, तो रोड यूज़र के अंडर में आते हैं एक्सेसिव स्पीड अगर वो करता है, जो कि हमने बोला ओवर स्पीडिंग, रश ड्राइविंग, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, मतलब सिग्नल्स काट जाना, वायलेशन ट्रैफिक रूल का वायलेशन करना, फेलियर टू परसीव ट्रैफिक सॉल्यूशन सिचुएशन और साइन और सिग्नल इन एडुकेट टाइम, केयरलेसनेस मतलब ध्यान नहीं देना, लापरवाही, फटिक, थकान, एल्कोहल, स्लीप एक्सेट्रा, तो ये रोड यूजर की तरफ से एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके बाद बात करें व्हीकल की, डिफेक्टिव व्हीकल हो सकते हैं, व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिस लाइक जैसे ब्रेक फेल होते हैं, स्टीयरिंग काम नहीं करता, सो ये सब क्या है, व्हीकल की प्रॉब्लम है, टायर बस्ट हो गया, लाइटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सो ये व्हीकल की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। रोड कंडीशन, स्कीडिंग रोड सरफेस, पोर्ट होल्स, रट्स, स्कीडिंग रोड सरफेस मतलब जो फिसल जाता है उस पर व्हीकल, रोड डिज़ाइन, डिफेक्टिव जियोमेट्री डिज़ाइन, अब अगर रोड ही इस तरीके से बनाए तो एक्सीडेंट होगा। अगर आप देखते हो कि अगर कहीं पर हमें टर्न लेना है तो उसका जो डिज़ाइन है, जो कर्व है, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आता है और इस साइड से जो अपन व्हीकल चला रहे हैं, तो साइड डिस्टेंस नहीं है, इस वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। काफ़ी सारे कॉर्नर्स पर आपने देखा होगा, सो रोड डिज़ाइन काफ़ी मैटर करती है, डिफेक्टिव जियोमेट्रिक डिज़ाइन इसके अंडर में आता है, लाइक इनएडुकेट साइड डिस्टेंस, इनएडुकेट विड्थ ऑफ शोल्डर्स, इम्प्रॉपर कर्व डिज़ाइन, इम्प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड इम्प्रॉपर लाइटिंग, मतलब रोड पर लाइट्स नहीं है, रोड पर मार्किंग सिस्टम नहीं है, रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस नहीं लगाई हुई है, मतलब राइट पे कर्व है कि नहीं है पता ही नहीं है, तो ये सारे क्या होते हैं, रोड डिज़ाइन की खामियां हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो, अब देखो एनवायरमेंटल जो सीजनल है, ये भी काफ़ी रोड एक्सीडेंट के वजह से देखा होगा आपने, फॉग में, बारिश में, इस वजह से। सो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन लाइक मिस्ट, स्नो, स्मोक, हैवी रेनफॉल विच रेस्ट्रिक्ट नॉर्मल विजिबिलिटी एंड मैक्स ड्राइविंग अनसेफ। बाद में कुछ अदर कॉजेज होते हैं, जैसे इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, गेट ऑफ लेवल क्रॉसिंग नॉट क्लोज व्हेन रिक्वायर्ड एक्सेट्रा। अदर कॉजेज में देखो आते हैं कुछ ह्यूमन अदर ह्यूमन मिस्टेक्स, लाइक कुछ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हैं रॉन्ग लोकेशन पर लगे हुए हैं, क्रॉसिंग का गेट क्लोज नहीं हुआ, तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉजेज है, उससे वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो जो ये कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, उसकी स्टडी करने के बाद में एक एक्सीडेंटल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, सो द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द एक्सीडेंट इज कैरिड आउट पेरियोडिकली एट क्रिटिकल लोकेशन और रोड स्ट्रेचेस विच विल हेल्प टू अराइव एट सुटेबल मेजर टू इफेक्टिवली डिक्रीज एक्सीडेंट रेट्स। इससे क्या होता है, स्टडी करते हैं हम सारी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सीडेंट रेट्स डिक्रीज होती है। इट इज़ अ मेजर और एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर एंड सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट, दीज स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट्स आर टू बी मेंटेन्ड जोन वाइज। एक्सीडेंट्स प्रोन स्ट्रेचेस ऑफ डिफरेंट रोड्स में बी असेस बाय फाइंडिंग द एक्सीडेंट डिस्टेंस डेंसिटी पर लेंथ ऑफ द रोड। द प्लेसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मार्क्ड ऑन द मैप एंड पॉइंट्स ऑफ देयर क्लस्टरिंग ब्लैक स्पॉट आर डिटरमाइंड by statistical study of accident occurrence at a particular road or location of zone of study for a long period of time, it is possible to predict with a reasonable accuracy the probability of accident occurrence per day or relative safety of different classes of road user in that location. The interpretation of the statistical data is very important to provide insight to the problem. Okay, so ye sare एक्सीडेंट्स हैं उनके स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाई जाती है और प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट को कम करें। सो आपका जो मेन टॉपिक है कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, एंड दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट, सो आई होप आपको पता लगा हो कि कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। सो दिस
दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस वन इज इम्पोर्टेंट रोड यूज़र पर्टिकुलर। आप हर पर्टिकुलर सेक्शन को अलग से डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो इट वॉज इन अ वेरी ब्रीफ, आई होप आपको समझ में आया हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज़।